हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सुना रहे हैं कहानी नंबर 5, बोलने वाली गुफा। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह आराम करने के लिए जगह तलाश कर रहा था कि उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। शेर ने अंदर देखा, उसे कोई नहीं दिखा। शेर को लग तो रहा था कि कोई ना कोई तो इस गुफा में अवश्य रहता है, लेकिन उसे वह गुफा इतनी पसंद आई कि उसका मन उसी में रहने का करने लगा। वह गुफा एक सियार की थी। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और सियार अपनी गुफा में आ गया। गुफा के बाहर उसे शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। सियार बहुत होशियार था, वह सतर्क हो गया। वह शेर का शिकार नहीं बनना चाहता था। गुफा में शेर है या नहीं यह पता करने के लिए सियार ने एक चाल चली। वह जोर से चिल्लाया, ओ गुफा, अगर तुमने रोज की तरह मुझसे बात नहीं की तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शेर ने सियार की आवाज सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने गुफा के बदले जवाब देने का निश्चय किया। उसने दहाड़ मार दी। शेर की दहाड़ सुनकर चतुर सियार समझ गया और जान बचाकर भाग गया। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आने वाली किसी भी परेशानी से हम सतर्क रहेंगे तो हम उसका आसानी से निपटारा कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।